हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल सिंह, अगेन यू विद मी इन द न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, पहला टॉपिक होगा कुछ चेंजेस हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कल, तो वो चेंजेस क्या हैं और वो किस तरह से आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं ये मैं बताऊँगा। कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हैं, वो भी आपको क्लियर करूँगा किस देश के लिए क्या अच्छी चीज़ें हैं और किस देश के लिए क्या गलत चीज़ हुई है जिससे कि हमें इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे जो पहली चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो एयर बबल्स के अंतर्गत क्या दूसरी फ़्लाइट्स भी शुरू होंगी यूएई इंडिया के लिए। तो दोस्तों, ये एक न्यूज़ आ गई है। देखिए, जो यूएई के कैरियर्स थे जिनकी टिकट्स अटकी हुई थी ना दोस्तों, एयर अरबिया में, एमिरेट्स में, वो नहीं जा पा रहे थे और रिफ़ंड मिल नहीं रहा था, तो वो यूज़ कर सकते हैं अब, क्योंकि अब यूएई कैरियर्स स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, ये फ़्लाइट्स जल्दी ही शुरुआत हो जाएंगी। एयर अरबिया की न्यूज़ भी आ चुकी है स्टार्ट होने के लिए, तो जल्दी ही वो स्टार्ट कर देगी। एमिरेट्स की भी न्यूज़ आने वाली है, एतिहाद की भी न्यूज़ आने वाली है दोस्तों। तो आप अपनी टिकट अगर रिफ़ंड नहीं कर पाए हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी परमिशन मिल चुकी है, तो एनओसी गवर्नमेंट के द्वारा दे दी गई है, आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो इससे जो आपका पैसा था वो बर्बाद नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमारी जो फ़्लाइट्स हैं वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गई है जहाँ वो जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है ये दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होगा कि फ़्लाइट्स बढ़ जाएंगी और काफ़ी जो शहर हैं उनके लिए बढ़ जाएंगी, तो फ़्लाइट्स में जा सकते हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जो कि इंडिया वालों के लिए है। दूसरी एक न्यूज़ है दोस्तों, अगर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस या एयर इंडिया पर अभी आप टिकट बुक कराएंगे दोस्तों, तो क्या हो रहा है, अगर आप देखिए, पहले सिंपल तरीके से बुक हो रही थी, अभी क्या हो रहा है, देखिए, एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑप्शन आता है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन और ये, तो इसमें आपके लिए देखिए डिपार्चर कंट्री, नेशनलिटी, नेम, एज, कैटेगरी टाइप, कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल, कोविड टेस्ट स्टेटस, एड्रेस इन इंडिया, एड्रेस इन एब्रोड, तो ये जहाँ भी आप जाने वाले हैं, ठीक है, एयर इंडिया एक्सप्रेस के थ्रू, ठीक है दोस्तों, तो ये अब एक ऑप्शन के तौर पर एक मैंडेटरी हो गया है कि आपको ये भरना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की साइट पर है दोस्तों। पहले नॉर्मल तरीके से बुक हो रही थी, अब नॉर्मल तरीके से बुक नहीं हो रही, क्योंकि ये अंडरटेकिंग भी साथ के साथ ले रहे हैं, तो एक तरह से इसमें हेल्प ही हो जाएगी आपकी, कि जो दो तीन फॉर्म आपको भरने पड़ते थे मे बी वो फॉर्म हट जाएँ, ठीक है, एयरपोर्ट पे जो आप दो तीन फॉर्म भरते थे वो भी शायद हट जाएंगे, तो बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए, और मैंने ये चेक किया दोस्तों कि बैंकॉक के लिए और काफ़ी शहरों के लिए भी की, और एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो साइट है उसके थ्रू अगर आप नई लिस्ट देखेंगे जो कि आजकल तो डेली अपडेट हो रही है, तो उसमें देखिए टोरंटो, ऑकलैंड, मतलब न्यूजीलैंड की भी है, ठीक है, वैनकोवर की भी है, लंदन की भी, सारी फ़्लाइट्स दे रखी हैं, तो आप इसमें से बुक कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि कुआलालंपुर की है या नहीं दोस्तों, तो अगर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की साइट पर देखेंगे तो कुआलालंपुर की बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं दोस्तों, कंटिन्यू फ़्लाइट्स हैं मलेशिया की, तो आप एक बार चेक करिए और आप बुक करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि मलेशिया की फ़्लाइट्स स्टार्ट नहीं हो रही हैं दोस्तों, तो ये देखिए, ये आंसर है कि आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की साइट पर जाइए और चेक करिए, वहाँ पर बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं, मैं देखी हैं और ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने चेक किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए, मैं आपको एक मिनट में दिखाई देता हूँ दोस्तों। देखिए, ये है एयर इंडिया एक्सप्रेस की साइट, ठीक है, इस पर देखिए एक ऑप्शन आता है, ये वंदे भारत मिशन एयर इंडिया एक्सप्रेस रिपेट्रिएशन फ़्लाइट्स, इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये नई वाली जो शेड्यूल खुलता है दोस्तों वंदे भारत मिशन 5 का, तो देखिए अगर इसमें आप देखेंगे तो कुआलालंपुर बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं जो कि आपको कंटिन्यू मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। देखिए, मैं दिखा देता हूँ, देखिए दोहा की फ़्लाइट्स देखिए दिखाई दे रही है, देखिए ये वाली दोहा की है, दुबई की है, अबू धाबी की है, ठीक है, सिंगापुर की है, इसमें कुआलालंपुर की, ये देखिए ये वाली कुआलालंपुर की है, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो अगस्त में देखिए हर जगह पर कुआलालंपुर दिखाई देगा, तो सफिशिएंट फ़्लाइट्स हैं, तो इससे पता चलता है कि मलेशिया की फ़्लाइट्स स्टार्ट हो चुकी हैं दोस्तों। दोस्तों, अब चलते हैं एक बहुत अच्छी न्यूज़ पर जो कि है यूएई से। देखिए, जो पीसीआर टेस्ट था, आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही थी, क्योंकि जो इन्होंने प्योर हेल्थ की जो एक लिस्ट दी हुई थी
वो काफ़ी कम शहरों में थी, इंडिया में अवेलेबल। ठीक है, तो हो क्या रहा था कि लोग कंफ्यूज हो गए थे आईसीएमआर से अप्रूव होगा या फिर प्योर हेल्थ से अप्रूव होगा। तो दोस्तों इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अभी पीसीआर टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो जो लैब्स हैं आईसीएमआर की लैब्स हैं या गवर्नमेंट से ऑथराइज जो लैब्स हैं वहाँ से अप्रूव हो जाएगी आराम से। अगर आपके पास टेस्ट है, नेगेटिव टेस्ट है 96 आवर्स में, अगर आप टेस्ट देने जा रहे हैं, ठीक है, तो जो पीसीआर टेस्ट इन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी एयरलाइंस हैं वो पीसीआर टेस्ट किसी भी लैब से जो कि गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट, आईसीएमआर, या फिर जो इन्होंने दूसरी कंट्रीज़ के भी बारे में बोला है कि दूसरी कंट्रीज़ में भी जो उस कंट्री की जो अथॉरिटी होगी अगर वो ऑथराइज़ करते हैं लैब्स को तो वहाँ से अप्रूव माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी परेशानी हट गई है, क्योंकि देखिए जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, ठीक है, और जिनकी वाइफ बच्चों को लेके जा नहीं पा रही थी दूसरे शहर या कहीं और, तो उसमें प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गई है, क्योंकि उनके शहर के पास में या उनके शहर में ही जो पीसीआर टेस्ट है और जहां अप्रूव जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड है दोस्तों, ठीक है, मतलब अप्रूवल है जिसका आईसीएमआर, क्योंकि आईसीएमआर की ज़्यादातर लैब्स सारे सारे सिटीज़ में है दोस्तों, ठीक है, तो वो भी अप्रूव हो जाएंगी। तो जो सारी, इसका कहने का मतलब ये है कि जो लैब्स थी आईसीएमआर की वो एक्सेप्टेड हो चुकी हैं, तो अभी परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि आपको पता होगा आईसीए का जो अप्रूवल है वो भी इंटरलिंक हो गया है। अभी जब आप आईसीआर जो सॉरी आईसीए जो आप भरते हैं, ठीक है, उस वक्त आपके पास एक लिंक आता है या फिर आपको मेल करनी पड़ती है कि आपके पास, देखिए आपने टेस्ट देने गए हैं और आप टेस्ट देने जाएंगे, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली लिंक है ना आईसीए के पास आ जाता है। तो तब तक पेंडिंग दिखाता है आईसीए अप्रूवल जब तक आपका टेस्ट नेगेटिव नहीं आता दोस्तों, तो एक नई न्यूज़ है। तो क्योंकि अगर आपने काफ़ी दिनों से आईसीए नहीं भरा हुआ होगा, क्योंकि देखिए अगर आपके 21 दिन हो चुके हैं तो दोबारा भरना पड़ेगा, तो आईसीए भरते वक्त आप ध्यान रखें कि टिकट के आसपास ही भरा जाएगा, क्योंकि आपका अप्रूव ही नहीं होगा जब तक कि आपका जो टेस्ट रिपोर्ट है वो नहीं आएगी। ठीक है, इस केस में ये भी हो सकता है कि अगर आपका टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है, ठीक है दोस्तों, और आईसीए का अप्रूवल है, तो अगर आप देखिए एक मेल आती है कि आपका जो आईसीए अप्रूवल है वो पेंडिंग है टेस्ट की वजह से, ठीक है दोस्तों, मतलब आपका बाकी चीज़ें ठीक हैं डॉक्यूमेंट्स, लेकिन टेस्ट की वजह से पेंडिंग है, तो अगर ये मेल भी है आपके पास तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, मान लीजिए आपकी लास्ट दिन तक नहीं आ पाती, तो आप ये मेल प्लस नेगेटिव रिजल्ट दोनों दिखा सकते हैं, तब भी आपका होने के चांसेस हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब एक न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से देश का नाम ऊपर होता है और कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से देश का नाम बहुत नीचे होता है। तो दोस्तों कल एक न्यूज़ आई है जिसकी वजह से, देखिए ये हर देश में न्यूज़ जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए ये मतलब एक शर्मनाक बात है हमारे लिए कि हमारे देश के लोग इस तरह से भी करते हैं। तो देखिए एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, ठीक है, हु मर्डर्ड ओवर 100 पीपल एंड रन ए किडनी रैकेट अरेस्टेड इन दिल्ली। देखिए सच्चाई क्या है वो तो निकल के सामने आएगी, लेकिन ये बड़ी ही गंदी न्यूज़ है जो कि देखिए यूएई तक भी आ गई है न्यूज़। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमारे देश का नाम ऊपर आता है, लेकिन इन चीज़ों से देश का नाम कभी कभी ख़राब भी होता है, तो ये चीज़ें भी हमें सोचनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद न्यूज़ है कुवैत की। कुवैत का आपको जैसा कि पता होगा कि देखिए कुवैत ने 7 देशों को मना कर दिया है इंडिया सहित कि वो डायरेक्ट एंट्री नहीं हो सकती। इसको बैन नहीं बोल रहा कुवैत, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आप किसी दूसरे कंट्री में जाइए पहले 14 दिन और फिर वहाँ रह के आइए तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों तो एक तरह का ये बैन ही है कुछ देशों पे, 7 देश हैं टोटल। ठीक है, तो इनके लिए बड़ी ही मतलब ये घुमाने वाली चीज़ हो गई कि लोगों को अब जो पहले सोच रहे थे कि आसानी से जा सकेंगे वो आसानी से ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, तो अब उनको या तो दूसरी कंट्री से जाना पड़ेगा या जो फ़्लाइट्स उन्होंने शायद कर रखी हों तो उनको रिशेड्यूल भी करना पड़ सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक न्यूज़ है बहरेन से। उन्होंने देखिए एक काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि बहरेन की फ़्लाइट्स स्टार्ट हुई या वीज़ा स्टार्ट हुए नहीं हुए, तो दोस्तों बहरेन से देखिए यह ई वीज़ा की एक नई साइट है। अगर आपको वीज़ा लेना है तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप जो ई वीज़ा करके है एक साइट है वहाँ पर आप अप्लाई कीजिए, उसके थ्रू आप बहरेन के जो वीज़ा है वो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बहरेन से रिलेटेड आप गूगल पर सर्च मारेंगे तो वहाँ पर आपको वो साइट मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये चैनल और ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस तरह से हम मोटिवेट होते रहें, आपको इसी तरह से वीडियो मिलती रहे और नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।